एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रोडेंट्स काम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनके बारे में स्टडी करेंगे, जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट रहेगा। और इसके पहले की वीडियो में हम रोडेंट्स काम, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, वैरायटी, जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो था, जो वीडियो का पार्ट सेकेंड था, हमने उसमें रोडेंट्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जिसमें हमने उसका यूजफुल इम्पैक्ट और हार्मफुल इम्पैक्ट, इनके बारे में स्टडी किए थे। अगर आपको यह वीडियो देखना हो, मीन्स इनकी स्टडी करनी हो, तो आपको इस वीडियो का लिंक, इस दोनों का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं रोडेंट्स का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनके बारे में स्टडी करना। यह पेस्ट और वेक्टर दोनों की तरह काम करते हैं। पेस्ट में ये ह्यूमन को इकोनॉमिकली बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं, और वेक्टर में ये कई सारे डिजीज़ के कैरियर होते हैं, कई सारे डिजीज़ को फैलाते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करना, इनका प्रिवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इनको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से इनको हम प्रिवेंशन करेंगे। डी रोडेंट्स एग्जाम्पल इज रैट एंड माइस। रैट एंड माइस ह्यूमन को बहुत इकोनॉमिकली बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं, इसलिए इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा रैट एंड माइस के ऊपर। कैन बी कंट्रोल्ड बाई फॉलोइंग मेथड्स। इनको बहुत सारे मेथड्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इनको फिजिकल कंट्रोल में, मीन्स फिजिकली हम इनको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। इट इंक्लूडेड यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एज सजेस्टेड बाई हेनरी सीमन 1967। दिस मेथड इज हाईली एक्सपेंसिव एज नीड अ सेटअप। एक साइंटिस्ट थे हेनरी सीमन, जो 1967 में उन्होंने यह सजेस्ट किया कि जो रैट्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इनके लिए जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, जिससे अल्ट्रासाउंड होता है, उससे जो वेव निकलती है, जो तरंग निकलती है, उससे रैट और माउस बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका बताया कि हम अगर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करें, इनसे रैट डिस्टर्ब होंगे तो ये इससे भाग जाएंगे। मीन्स जहाँ पर ये हैं, जिस हाउस में, जिस जहाँ पर ग्रेन्स का स्टोरेज है, जहाँ पर क्रॉप है, अगर कहीं पर ये प्रेजेंट है, तो वहाँ से ये भाग कर कहीं और चले जाएंगे। ये मेथड तो ठीक तो था, लेकिन इससे क्या था कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, और इसके लिए एक हमें सेटअप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, ये है अल्ट्रासोनिक रोडेंट रिपलर्स। मीन्स इससे जो है अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, उससे रैट और माइस डिस्टर्ब होते हैं। ये रोडेंट्स होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। रिपलर मीन्स ये रिपेल करते हैं, मीन्स इनसे दूर भागते हैं। जैसे ही ये वेव के कॉन्टैक्ट में आएंगे, वैसे ही वो उस प्लेस को छोड़कर भागने लगेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कंट्रोल में यूज ऑफ बम्बू बो एरो ट्रैप। जिस मतलब ये एक धनुष से बनाया जाने वाला एक इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से रैट्स को कंट्रोल में किया जाता है। एंड पॉट ट्रैप, ये भी एक, या तो इसको आयरन से या तो इसको उड़ से एक ट्रैप बनाया जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। अब हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, जिसकी मदद से हम इनको कंट्रोल करते हैं। यह इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, इस इमेज का नेम है बम्बू बो रैट ट्रैप। मीन्स क्या करते हैं, बम्बू मीन्स बांस से, बो मीन्स धनुष, बांस से धनुष बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, धनुष को ऐसे लगा देते हैं और उसमें उसका तीर लगा देते हैं, और इसमें कुछ खाने का पीस लगा देंगे। मीन्स कुछ ब्रेड या फिर रोटी, कुछ उनके रैट के लिए खाने का चीज़ लगा देते हैं, और जैसे ही रैट आता है, इसको लेगा खाने को, वैसे ही वो मर जाएगा, वैसे ही उसका तीर, मीन्स धनुष के तीर से वो मर जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट इमेज है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जब ये रैट आता है, मतलब वहाँ से कुछ खाता है उस तीर से, तो उसको तीर लग जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो था पॉट रैट ट्रैप। मीन्स ये है पॉट रैट ट्रैप, जो एक आयरन से बनाया गया, आयरन मेटल से, या फिर इसको ऊट से बनाते हैं, जिसमें ये मतलब क्या करते हैं कि इसमें कुछ खाने का ब्रेड रोटी कुछ भी रख देंगे, जिससे रैट उसके अंदर जाता है, और जैसे ही वो उसको खाता है, जो ब्रेड है उससे, मतलब एक स्ट्रिंग से टंगा हुआ रहता है, जैसे उसको खाता है वैसे ये पिंजड़ा बंद हो जाएगा, वैसे ही रैट इसके अंदर ये फंस जाता है। मीन्स इनको ये पकड़ लेते हैं, इसे कैप्चर कर लेते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कंट्रोल में, ये भी एक पॉइंट है, किलिंग ऑफ रैट एंड माइस बाई यूज ऑफ रॉड्स, ब्रिक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा। लोग क्या करते हैं कि फिजिकली कंट्रोल में रैट और माइस को मारने का काम करते हैं, किससे करते हैं, बाई यूज ऑफ रॉड्स, रॉड्स की हेल्प से, ब्रिक्स की हेल्प से, स्टोन की हेल्प से। इतना जितना पॉइंट था हमारा, ये सभी फिजिकल कंट्रोल में आता है। फिजिकल कंट्रोल के बाद अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम रैट एंड माइस, मीन्स रोडेंट्स को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल में। बायोलॉजिकल कंट्रोल में किसी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय यूज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं। जैसे कि कैट्स,
टेरियर मींस ये एक डॉग की वैरायटी होती है, डॉग की एक ब्रीडिंग होती है। स्नेक, सांप, मैंगूज मींस नेवला एंड अ नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, एग्जांपल इज काइट, आउल, हॉक, ईटीसी। मतलब कि रैट एंड माइस को ये कैट खाता है, कैट खाती है। टेरियर मींस एक डॉग की ब्रीड आती है जो रैट एंड माइस को ईट करती है। स्नेक, सांप भी खा लेती है। मैंगूज नेवला भी ये रैट एंड माइस को खाती है। एंड अ नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, ऐसे शिकारी वाली बर्ड्स होती हैं मीन्स जैसे कि काइट, आउल, हॉक, जो रैट एंड माइस को खाती है। उनका फूड क्या रहता है? रैट एंड माइस आर नेचुरल इनिमी ऑफ रैट एंड माइस। ये सभी एक मतलब रैट एंड माइस के प्राकृतिक दुश्मन है, मीन्स उनका ये फूड रहता है और ये रैट एंड माइस के इनिमी है। इन सम ऑफिसेस एंड हाउसेस कैट्स आर केप्ट एज पेट स्पेशली फॉर रैट्स। कभी कभी ऑफिस और घर में क्या होता है कि वहाँ पर अगर रैट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो कैट्स को ही पाल लेते हैं अपने ऑफिस और घर में, जिसकी मदद से वो रैट्स से छुटकारा पा जाते हैं। कैट्स उनके घर की या फिर उनके हाउस में जितने भी रैट्स होती हैं उनको सबको खा जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल कंट्रोल, मीन्स पुराने समय में पुराने तरीक़ों से किन तरीके से रैट्स एंड माइस मीन्स रोडेंट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक दो साइंटिस्ट फिस्टवाटर एंड प्रकाश 1966 में उन्होंने सजेस्ट किया डेट चेंजेस इन दी क्रॉप सोइंग मीन्स एंड हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ क्रॉप्स। मीन्स इनका मतलब ये था कि अगर मान लीजिए हम एक फील्ड में धान की फसल मीन्स राइस या पैडी की फसल लगा रहे हैं और उसमें बार बार रैट वहाँ पर आकर उस फसल को बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत हार्म कर रहा है, तो हम क्या करें कि एक साल मतलब वन ईयर हम उसमें राइस या फिर पैडी की फसल को ना लगाएं, उस फसल को चेंज कर दें। तो जिससे क्या होगा कि अपने आप ही नेक्स्ट ईयर में वहाँ से रैट एंड माइंस ये वहाँ से गायब हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। एंड पैटर्न ऑफ स्टोरेज ग्रेन, अगर मान लीजिए कहीं पर ग्रेन की स्टोरेज हो रही है, कहीं गोदाम में ग्रेन की स्टोरेज हो रही है, वहाँ पर ये रैट एंड माइंस बहुत है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें कि एक ईयर तक मीन्स कुछ समय तक, कुछ साल तक हम वहाँ पर ग्रेन को स्टोर ही ना करें, वो अपने आप ही वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगी, मीन्स माइग्रेट हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, वहाँ पर हम किसी और चीज़ की स्टोरेज करें, ग्रेन की स्टोरेज ना करके किसी दूसरे थिंग्स की, किसी दूसरे सब्सटेंस की स्टोरेज करें, जिससे वो अपने आप ही रैट एंड माइंस या फिर रोडेंट्स अपने आप ही मे बी क्वाइट हेल्पफुल इन रैट कंट्रोल। हम रैट कंट्रोल इससे आसानी से कर लेंगे। हमारा लास्ट ट्रेडिंग है केमिकल कंट्रोल, कि हम केमिकल कंट्रोल से किस तरीके से रोडेंट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप फिजिकल कंट्रोल किए हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल किए हैं और कल्चरल कंट्रोल किए हैं, इसके बाद भी आप रैट एंड माइंस मीन्स रोडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप केमिकल कंट्रोल का यूज करिए। क्योंकि केमिकल से ना तो मतलब केमिकल से पेस्ट को तो हार्मफुल हो रहा है, साथ साथ इसके हमारे साथ भी बहुत हार्मफुल होगा, मीन्स जिस तरीके से पेस्ट को हार्मफुल करेगा उसी तरीके से ह्यूमंस को भी हार्मफुल करेगा। वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स लाइक फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट्स मीन्स ऐसा केमिकल मीन्स जो ह्यूमिड या फिर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आकर स्मॉग बनने लगे, मीन्स उसमें धुआं निकलने लगे, ऐसा केमिकल को हम बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। डेट इज कैल्शियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और ये फ्यूमिगेंट्स अगर जहाँ पर रेड जहाँ पर रहते हों वहाँ पर अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये बहुत हार्मफुल करते हैं, मीन्स वो अपने आप ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमें इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जितना ये हार्मफुल रैट और माइस के लिए है उतना ही हार्मफुल ही ह्यूमन के लिए। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टेंस रिपेलेंट्स। अट्रैक्टेंस मींस हम उनको अट्रैक्ट करेंगे, रिपेलेंट्स मींस हम उनको रिपेल करेंगे, उनको दूर भगाएंगे। एग्जाम्पल इज सेफ्रॉन, केवड़ा, खस, लेमन एक्सेट्रा आर अट्रैक्टेंस। मींस हम रैट और माइस को सेफ्रॉन, केवड़ा, खस, लेमन इनकी हेल्प से हम रैट को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके उनको मतलब बुलाकर फिर उनको हम कहीं दूसरी जगह पर कहीं रिपेल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लेरोनाइट्राइड, एक्टिडियन, साइक्लोहेक्सीमाइड, मेलाथियन एक्सेट्रा आर रिपेलेंट्स। मींस अगर हम इन सब सभी केमिकल का यूज करते हैं तो रैट एंड माइस मींस जहां पर अगर घर में कहीं पर भी रैट और माइस प्रेजेंट हैं तो अगर हम ये केमिकल को यूज करते हैं, इस चीज़ को रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि रिपेलेंट्स मींस रैट एंड माइंस इससे दूर भागेंगे और वो प्लेस छोड़कर चले जाएंगे। कीमोस्टेरिलेंट्स एग्जाम्पल इज फ्यूरोडेंटिन, कॉल्चिशीन, सीडीसीएल मीन्स कैडमियम क्लोराइड, ग्लाइजोफोरॉल एक्सेट्रा। मीन्स अगर हम इन सब का यूज करते हैं रैट और माइस क्या होते हैं कि वो स्टराइल हो जाते हैं। स्टराइल मीन्स वो रिप्रोडक्शन अब नहीं कर पाएंगे, अगर वो इन सब केमिकल के कॉन्टैक्ट में आए तो स्टराइल हो जाएंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो अगली जनरेशन वो नहीं कर पाएंगे, जिससे वो अपने आप उनका कंट्रोल हम कर लेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट
पॉइंट है एंड रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड मींस ऐसा पॉइजन जो रोडेंट्स को मारता हो, जिसको हम बोलते हैं रोडेंटिसाइड और रोडेंट्स पॉइजन। एग्जांपल इज बेरियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, अंटू, रेड स्क्वायरल, थैलियम सल्फेट, सोडियम फ्लोरोएसीटेट एक्सेट्रा। मींस ये सब रोडेंट्स पॉइजन है, मींस ये मतलब उनके लिए जहर है। अगर हम इसको रैट के कॉन्टैक्ट में लाए तो ये सब अगर वो उनके कॉन्टैक्ट में आया तो वो रैट मर जाएंगे, मींस रैट एंड माइस मर जाएंगे, रोडेंट्स की इनकी डेथ हो जाएगी इन सभी केमिकल से। ये जितना केमिकल हार्मफुल है रैट्स के लिए, उतना ये ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए इनका यूज करना बहुत केयरफुल की काम है। अब इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि कैल्शियम साइनाइड, जिसके बारे में बताया था कि ये फ्यूमीगेंट्स है, एक केमिकल कंट्रोल है। इज वेरी इफेक्टिव फ्यूमीगेंट्स विच ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर रिलीज हाइड्रोसाइनिन गैस SCN, नाउ इट्स अप्लीकेशन इज बैंड। एक ये गैस है जिसको मतलब एक केमिकल है, केमिकल साइनाइड, अगर ये फ्यूमीगेंट्स की तरह काम करता है, मींस अगर ये एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आया तो ये हाइड्रोसाइनिन गैस को रिलीज करता है ये। लेकिन अब ये इसका अप्लीकेशन बैन कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये जितना रैट और माइस के कॉन्टैक्ट में जाता था, जितना ये रैट और माइस को हार्मफुल पहुँचाता था, उतना ही ह्यूमन को भी हार्मफुल पहुँचाता था, इसलिए इनका कंट्रोल बैन कर उठा गया। नेक्स्ट नोटिस दैट इज कीमोस्टाइरिलेंट्स आर मोस्ट प्रिफरेबली यूज्ड एज केमिकल कंट्रोल मेथड। कीमोस्टाइरिलेंट्स मीन जो रेट एंड माइस मीन्स रोडेंट्स को स्टराइल कर देते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है केमिकल कंट्रोल करने का। सम अदर कीमोस्टाइरिलेंट्स आर ओलिडॉन, इनोविट, टेपा, अफामाइड, यूरासिल एक्सेट्रा। ये सभी अच्छे कीमोस्टाइरिलेंट्स होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट को मिलाकर हमारा रोडेंट्स का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो का स्टडी करना हो फर्स्ट सेकेंड पार्ट को, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यह वीडियो मिल जाएगी। BSc फाइनल ईयर, सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट को स्टार्ट किया, जिसका नेम है प्लैग्ड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट, जिसका नेम है पैरासिटोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर थे, हमने इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमने यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया, जिसमें हमने वेक्टर्स एंड पेस्ट, जिसमें 5 चैप्टर थे, इनको भी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम यूनिट थर्ड और फोर्थ को बाद में पढ़ेंगे। हम पेपर को चेंज कर रहे हैं, सेकंड पेपर, जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को बाद में पढ़ेंगे। हम इसमें अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जिनमें है, जिसका नेम है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।